हम बात करेंगे हैनेमेनियन मियाज़म। हैनेमेनियन मियाज़म जो कि हम सब जानते हैं, सोरा, साइकोटिक और सिफिलिटिक, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो हैनेमेन मियाज़म, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि हैनेमेन के टाइम उन्होंने करीब 100 मेडिसिन डिस्कवर करी थी और उनको यूज किया था, पर इवेंचुअली होता यह था कि वो 100 मेडिसिन सफिशियंट नहीं थी कि टू फाइंड अ ट्रू सिमिलिमम, तो उस वजह से जो डिसीज है वो बार बार रिकरेंट आ जाती थी हमारे बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, तो पेशेंट डजंट गेट कंप्लीटली क्योर। उस वजह से हैनेमेन ने 10 साल की रिसर्च के बाद इन द ईयर 1828 उन्होंने मियाज़म को इन्वेंट किया। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे इन्वेंशन, जो कि हैनेमेन ने किया। हैनेमेन को आता इन्वेंटर ऑफ मियाज़म, और जो होम्योपैथी है हैनेमेन ने उसे रीडिस्कवर किया था। होम्योपैथी वॉज नॉट हैनेमेन इन्वेंशन, और होम्योपैथी डिस्कवर भी हैनेमेन ने नहीं किया था। होम्योपैथी लॉ ऑफ सिमिलिया दी थी फादर ऑफ मेडिसिन, जो कि है हिप्पोक्रेट, उन्होंने दी थी, उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलिया बनाया था। हैनेमेन ने जस्ट उसे रीडिस्कवर किया। ओके, सो मियाज़म इन्वेंशन था हैनेमेन का इन 1828, और उन्होंने बुक लिखी थी क्रॉनिक डिसीज एंड इट्स पिक्यूलियर नेचर, जिसकी 3 वॉल्यूम्स थी। काफी काफी यूजफुल ये बुक है और काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है मियाज़म। तो मियाज़म होता क्या है? मियाज़म की सिंपल डेफिनेशन यही है, एनीथिंग विच कॉसेस द डिसीज, यू नो द कॉजेटिव एजेंट विच आर कॉजिंग द डिसीज इज नोन एज मियाज़म, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मियाज़म। सो हैनेमेन ने दो तरीके के मेनली मियाज़म बताए थे, एक है एक्यूट मियाज़म जिसमें आता है रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। रिकरेंट में हमारा चिकन पॉक्स आ जाता है, चिकन पॉक्स टाइप की वायरस, स्मॉल पॉक्स टाइप की डिसीजेस आ जाती है जो बार 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 रिकरेंट होती रहती है, जो हमारा टेन्योर पूरा करती है और उसके बाद दोबारा एक्सटेंड हो जाती है और दोबारा वो कभी हमारी बॉडी में नहीं आती। दूसरी होती है नॉन रिकरेंट, जैसे कि बिटवीन मिड ऑफ 19th सेंचुरी कोलेरा था, वो काफी हमारा एपिडेमिक लेवल पे फैला इन एशियन सब कॉन्टिनेंट्स, तो उस कैटेगरी में इन्होंने और मतलब कि नॉन रिकरेंट डिसीज रिकरेंट मियाज़म को रखा, जैसे कोलेरा हो गया, उस समय टाइफॉइड फ्लैग काफी एपिडेमिक था। उसके बाद उन्होंने दूसरी कैटेगरी बनाई एक्यूट मियाज़म के अलावा, वो थी क्रॉनिक मियाज़म भी, जो कि हम सब जानते हैं सोरा, साइकोटिक और सिफिलिटिक, ये तीन उन्होंने बनाए। बाद में ट्यूबरकुलर मियाज़म भी बनाया, जो कि बनाया था GHLM, हुआ था प्रोजेनियो SCLM, उसके बारे में थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपली से वर्ड तो हम सबने सुने हैं, सोरा, साइकोटिक और सिफिलिटिक। सोरा इज नथिंग बट द इच, हैनेमेन ने इसको समझा ये इच है बॉडी का, इच। हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग जब और डीपली समझते हैं, या फिर हैनेमेन ने जब समझाया, बॉडी के जितने भी फंक्शनल डिस्टर्बेंस है उनको हम इसमें रखते हैं। जब आपकी ब्रोंकाइटिस हो गई, आपके ब्रोंकस ट्री प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, यू नो दैट इज सोरा, नथिंग बट द सोरा, हमारा बॉडी का फंक्शनल डिसफंक्शन, दैट इज सोरा, नथिंग एल्स। आपको डर्मेटाइटिस होगी, आपकी स्किन के जो सेल्स है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया, वो प्रॉपरली नहीं कर रहे, दैट इज फंक्शनल डिसफंक्शन, दैट इज सोरा। तो सोरा में आ जाएगा हमारा फंक्शनल, हमेशा याद रखना फंक्शनल डिस्टर्बेंस। ओके, तो इसमें थोड़ा हमारे फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो, दैट इज सोरा। और अदर इज साइकोटिक। साइकोटिक को उन्होंने हैनेमेन सर ने एक्सप्लेन इस तरह से किया, जब हम गोनोरियल का गोनोरिया को है उसको हम सप्रेस करते थ्रू एंटीबायोटिक्स या समथिंग लाइक दैट, तब वो सप्रेशन होके हमारे जेनाइटल्स में एक फिग वॉर्ड फॉर्म का इरप्शन होता है, दैट उन्होंने उसको कहा साइकोटिक। तो साइकोटिक मियाज़म में फिग वॉर्ड्स भी आते हैं, यू नो, तो उस तरीके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ओवरग्रोथ के हिसाब से एक्सप्लेन किया। लेकिन साइकोटिक दो तरीके की भी हो सकती है, एक ओवरग्रोथ का भी हो सकता है और लेस ग्रोथ का भी हो सकता है। लेस ग्रोथ साइकोटिक में आपको एग्जांपल दे सकते हो, किसके एग्जांपल दोगे आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, एट्रोपी ऑफ किडनी का, यू नो दैट इज माइक्रोसीफेलस जो आजकल बच्चे देखते हैं, राइट। साइकोटिक लेस मियाज़म, साइकोटिक मोर मियाज़म तो कॉमन है, वार्ट्स हो गए, लाइकोमा हो गए, जितने भी ट्यूबर ग्रोथ है, किडनी में स्टोन हो गए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, दैट इज साइकोटिक मोर। और साइकोटिक लेस के एग्जांपल जो मैंने दिया, एट्रोफी ऑफ किडनी, माइक्रोसीफेलस बच्चे, तो ये सब साइकोटिक लेस हुए, दैट इज। एंड नाउ द सिफिलिटिक, सिफिलिटिक मियाज़म
जो उन्होंने एक्सप्लेन किया जो सिफिलिटिक के बाद जो चैंकर फॉर्म होते हैं यू नो और देयर इज कंप्लीट फंक्शनल डिसफंक्शन. सोरा में डिस्टर्बेंस हो रहा था, यहाँ कंप्लीट डिसफंक्शन हो जाएगा बॉडी का. अल्सर्स हो गए, यू नो स्किन के सेल्स मतलब डेड होने लगे, डेट इज अल्सर, नथिंग बट अल्सर. या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो कंप्लीट रीनल फेलियर हो गया, हमारी किडनी अब फंक्शन डिस्टर्बेंस नहीं करी, डिसफंक्शन ही कर दी. तो ये हमारा हो गया सिफिलिटिक. जब फंक्शनल डिसफंक्शन आ रहे हैं वो सब सिफिलिटिक में हो जाएंगे. और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लिवर, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटिक सेल्स ऑफ द बॉडी इज यू नो इज द नथिंग बट द सिफिलिटिक मैजम. तो जितने भी डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं या फिर फंक्शन डिस्टर्ब डिसफंक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, सब सिफिलिटिक मैजम के अंडर आएंगे. तो यहां तक किसी को क्रॉस कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, तो अब हम बात करेंगे मेनली ट्यूबरकुलर मैजम. ट्यूबरकुलर मैजम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो हैनेमैन की डिस्कवरी नहीं है, ये इन्वेंशन है डॉक्टर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्यूबरकुलर मैजम. जो कि GHLN, ये नाम आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ट्यूबरकुलर मैजम GHLN ने इन्वेंट किया था. तो ये ट्यूबरकुलर मैजम था क्या, यू नो आपके साइकोटिक और सिफिलिटिक प्रीडोमिनेंस के साथ अगर आपको स्कोरिंग मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं बॉडी में, डेट इज ट्यूबरकुलर मैजम. ओके, तो मैं आपको इजी सा एक एग्जांपल देता हूं. आपकी यू नो किडनी में स्टोन है, तो नथिंग, किडनी में वो स्टोन है उससे कोई दिक्कत नहीं, दैट इज सिंपल साइकोटिक एग्जांपल. अब यही स्टोन की वजह से यू नो आपको तो कल के रीनल फेलियर हो गया, कंप्लीट रीनल फेलियर, दैट इज सिफिलिटिक मैजम. ओके, स्टोन है तो साइकोटिक, फेलियर हो गया तो सिफिलिटिक. अब कंडीशन ये है, अब ये स्टोन की वजह से मेरे यूरेटर में अटक गया, अब ना तो मेरा यूरिन का आउटपुट रुक गया है और सीवियर मुझे पेन हो रहा है, तो मेरा आउटपुट रुक गया, यानी क्या हो गया, मेरा फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे बॉडी में. यहां पे अभी डिसफंक्शन तक नहीं पहुंचा, सिफिलिटिक नहीं पहुंचा, तो साइकोटिक प्रीडोमिनेंस, स्टोन जो है साइकोटिक प्रीडोमिनेंस, साथ साथ सोरा के मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, यानी फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो इस कैटेगरी को मैं रखूंगा ट्यूबरकुलर मैजम के, यानी कि आपके सिफिलिटिक सिफिलिटिक या सोरिक सिफिलिटिक या साइकोटिक प्रीडोमिनेंस के साथ अगर सोरा के मैनिफेस्टेशन होते हैं तो उसको मैं रखता हूँ ट्यूबरकुलर मैजम में. मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, अथीरोस्क्लेरोसिस का, जो आप जानते हो अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या हो गया, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया और उसके उसमें हमें कोई अभी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, सिंपली साइकोटिक मैजम है. अब आगे चल के क्या हो गया कि इस वजह से ही मुझे डिस्पोजिशन की डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी हाई बढ़ जाना, हेडेक हो जाना, एंग्जाइटी फील हो जाना, यानी कहीं ना कहीं मेरा फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहा है बॉडी में, फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहा है बॉडी में. इस वजह से इसको मैं रख सकता हूँ ट्यूबरकुलर मैजम में, ट्यूबरकुलर मैजम में, क्योंकि अलॉन्ग विद साइकोटिक प्रीडोमिनेंस जो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ मुझे स्कोरिंग मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, तो मैं उसको रख दूंगा ट्यूबरकुलर मैजम. अब आगे चल के ये MI का फॉर्म ले लिया, मायोकार्डियल इंफरक्शन ले लिया, जो मायोकार्डियल सेल्स हैं जो हार्ट के वो यू नो नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, तो इसको मैं आगे चल के सिफिलिटिक में भी आ सकता क्योंकि मायोकार्डियल सेल्स का कंप्लीट वहां पे फंक्शनल डिसफंक्शन हो गया. तो ये थी पूरी जर्नी मायाजम की, होपफुली आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.